हम आ चुके हैं काइन मास्टर के एप्लीकेशन पे गाइज। तो यहाँ पे सेलेक्ट द एक्सेप्ट रेटियो ऑफ द प्रोजेक्ट 69 इशू ले लेंगे गाइज। एंड यहाँ से मैं बैकग्राउंड पे जैसे क्लिक करूँगा गाइज, मेरा बैकग्राउंड पेज एक तो खुल चुका होगा गाइज। एंड यहाँ से आप अपने जो भी थंबनेल बनाना चाहते हैं गाइज, आप यहाँ से टेक्स्ट के थ्रू ले सकते हो गाइज। तो जिससे मैं बताना चाहता हूँ कि काइन मास्टर से थंबनेल कैसे बनाएं, तो देख सकते गाइज मैं काइन मास्टर से थंबनेल कैसे बनाता हूँ, ये पूरा तरीका बताऊँगा गाइज। और मैं पिक्सेल ऐप्स के बारे में बता दूँगा गाइज, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। एंड आई बटन पर आप क्लिक करके आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं हेड में डाल दूँगा गाइज ऊपर में। एंड यहाँ पे मैं आउटलाइन ले रहा हूँ, आउटलाइन एनेबल करने के बाद देख सकते हैं ब्लू ले रहा हूँ। एंड यहाँ से आप पोटा पोतला जिसको करना चाहते हैं आप वहाँ से कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिया गाइज, तो सिंपली आराम से जो भी आपको पसंद आएगा आप यहां से अपने कर लीजिएगा। और देख सकते हैं यहां से और टाइप करना चाहते हैं गाइस तो और टाइप कर सकते हैं जो भी आपको लिखना है। ज़्यादा गाइस 2 से 3 के ही अंदर ही आपका थंबनेल बनना चाहिए गाइस, ज़्यादा लंबा भी नहीं अच्छा रहता है, जो कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो ज़्यादा लंबा अगर नहीं रहेगा तो बढ़िया रहेगा। एंड जो भी आप बनाइएगा थंबनेल, आप थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर बनाइएगा। एंड बड़ा बड़ा अक्षर बनाने से होता क्या गाइस, जो कि जो भी YouTube का मतलब जो भी देखता है कि हम YouTube में थंबनेल कैसे बनाएं, तो गाइस अगर जिसका बड़ा बड़ा थंबनेल में दिखाया रहता है गाइस, दर्शाया गया मतलब दर्शाया रहता है, तो वो आसानी से अपने खुद के सोचता नहीं। इस वाले वीडियो में मुझे पूरा पता चलेगा कि किस तरह से थंबनेल बनाएंगे। इसलिए गाइज आप जो भी बनाइएगा बड़ा टाइटल लेके बनाइएगा, समझे कि आप जिसमें बड़ा थंबनेल बना चुके गाइज आपको बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेगा गाइज। एंड देख सकते हैं यहाँ पे हम थंबनेल कैसे बनाए लिख चुके गाइज। एंड यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो गाइज, जैसे कि दिखा दे रहा गाइज आप लोग कैसे चेंज कीजिए। जैसे बैकग्राउंड कलर पर टिपिएगा गाइज इमेज पे, आप यहाँ से बहुत सारे बैकग्राउंड। एंड यहाँ पे आप फिल्टर से भी आप चेंज कर सकते हो गाइज, आपने जो भी चेंज करना है सो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक ठो अपना फ़ोटो ले रहा हूँ गाइज, जो कि हम यहाँ पे थंबनेल के थ्रू बता देना चाहता हूँ कि किस तरह टाइप का रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसा मुझे एडजस्ट करने मिलेगा गाइज मैं वैसा एडजस्ट करूँगा अपने अनुसार। आप अपने अनुसार के लिए से कर सकते हो कि किस तरह हम बैठाएंगे गाइज अपने फ़ोटो को। तो यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है गाइज, एंड नीचे भी रहेगा तो और ऊपर रहेगा तो भी एक ही अच्छा लगेगा। तो आप अपने अनुसार से अपने थंबनेल बनाइए गाइज, हम दूसरा अपने अनुसार से बना रहा हूँ। तो और थोड़ा गेयर अच्छा से देखिएगा, आप यहाँ से फिल्टर से कलर भी चेंज कर सकते हैं गाइज, जितना भी आपको लेना है। शेप्स लेके आप गोला भी ले सकते हैं गाइज, तो गोला लेने के से क्या होगा गाइज आपका गोला ही आएगा, मतलब गोला अगर उतने ही पार्ट्स में अगर आपको गोला करना है गाइज तो आप उतना ही आपका पार्ट्स होगा गाइज। एंड यहाँ पे कलर पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ जो भी कलर चूज करना है हटाना वहाँ हटा सकते हो गाइज। तो देख सकते हैं हम अपने जो भी कलर गाइज हम अपना हटा ले रहा हूँ, विदाउट मेरा रेड है गाइज तो रेड ही हटाऊंगा। देख सकते हैं मेरा हट जा रहा है रेड। एंड यहाँ पे हुई वाला से ऑप्शन से ही हटेगा, तो मैं इस वाले को डिलीट कर दे रहा हूँ। एंड फिर चलते गाइज ओवरराइड में, और यहाँ से बहुत सारे जो कि मैं डाउनलोड किया हूँ गाइज, आप अगर डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप अपने काइन मास्टर के थ्रू से आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यू जो भी प्रोजेक्ट रहेगा गाइज, बता दूंगा मैं अगली वीडियो में। एंड यहाँ पे देख सकते हैं गाइज मैं फ़ोटो को थोड़ा फ्रंट करके एडजस्ट कर ले रहा हूँ विदाउट, यहाँ से जो भी है आप मैं छोटा बड़ा करके यहाँ पे फ्रंट करके आप मैं यहाँ अपने कलर चूज करके एंड आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ से मैं वाइट ले रहा हूँ और अपने हिसाब से मैं यहाँ चूज कर ले रहा हूँ गाइज। तो आप भी चूज कर सकते हैं गाइज। एंड यहाँ देख सकते हैं थंबनेल कैसे बनाए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक जो मैं हेडलाइन दिए थे गाइज वो मेरा हेडलाइन छुप चुका है, जो कि यहाँ पे छुपा हुआ। तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो, तो ब्रेन एंड फ्रंट कर सकते हो 3 डॉट पे क्लिक करके गाइज। तो यहाँ से मैं नीचे करके मैं छोटा कर दे रहा हूँ इस वाले आइकन को, इस जगह पे रख दूँगा गाइज। तो वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड यहाँ पे कैप्चर वाले देख सकते हैं गाइज ऑप्शन दिएगा, जाओ वहाँ से जाके अपने कैप्चर को कैप्चर कर लीजिएगा। एंड मैं कैप्चर कर चुका गाइज, देख सकते हैं मेरा थंबनेल एक नंबर बनाया गाइज कितना।
वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।